मेघालय पुलिस ने अपने अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सोने की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। असम और मेघालय के विभिन्न स्थानों पर की गई छापेमारी में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 50 लाख रुपयों के कुल 7 सोने के बिस्किट और 27 लाख नकदी जब्त की गई है। बता दें कि मेघालय के डीजीपी एलआर बिश्नोई ने पुलिस को मिली इस कामयाबी की जानकारी मीडिया को दी है। सो वी हैव सीज्ड 7 नंबर ऑफ बिस्कुट्स, गोल्ड बिस्कुट्स, ईच बिस्कुट वेइंग 117 ग्राम, सो टोटल वेट इज 819 ग्राम एंड दिस इज ए 24 कैरेट प्योर गोल्ड एंड द मार्केट कॉस्ट ऑफ दीज बिस्कुट्स एज ऑन टूडे इज अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज। वी हैव कंडक्टेड मल्टीपल रेड्स इन द वेरियस लोकेशन ऑफ मेघालय एज वेल एज असाम एंड वी वर एबल टू अप्रीहेंड वन शाहजहाँ फ्रॉम बारपेटा डिस्ट्रिक्ट एंड वी हैव रिकवर्ड टोटल 27 लाख रुपीज एंड 11,480 कैश। In case, we have also seized 4 ATM cards, 3 identity cards and 10 numbers of mobile phones. So after the CDR analysis, we found that the interstate gang is operating to smuggle gold from Bangladesh to Meghalaya and from Meghalaya to Guwahati and from Guwahati to Siliguri and then other parts of India. So far we have arrested total 5 people and we unearthed the nexus between the Assam as well as the Meghalaya criminals.